नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि विष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से अब लोगों के मन में आपदा का खौफ हो गया है। राज्य की लगभग हर नदी उफान पर है, जिससे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हाहाकार मच गया है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। संचारी रोग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर को लेकर तैयारी पूरी रखें। सीएम योगी ने कहा कि अभी भी कई जिलों में कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना काल में ड्यूटी पर शहीद होने वाले 6 जवानों के परिवारों को दिल्ली सरकार ने दी 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात की दी जानकारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाले की सह आरोपी देवयानी मुखर्जी को जमानत दे दी है। हालांकि उनके खिलाफ ओडिशा और झारखंड में कई मामले दर्ज है, जिनमें उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए अभी उन्हें महिला सुधार गृह में ही रहना होगा। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने घोषणा करते हुए बताया कि 50 शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाया जा रहा है। हालांकि यात्रियों को इस दौरान कोविड-19 मानकों का पालन करना होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 10 दिनों तक रोजाना 3 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। सरमा ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक कोई सरकारी कामकाज नहीं होगा और पूरा सिस्टम टीकाकरण अभियान में ही सहयोग करेगा। आयुष विभाग ने 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश भर से 1000 लोगों से वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद हजारों परिवारों में खुशी का माहौल है। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 20 जून से राज्य में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बारामूला में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर इन लोगों के पास से हीरोइन के 11 पैकेट, हथियार, कारतूस के साथ साथ कैश भी बरामद किया है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक है और इसे रोकना असंभव है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। बिजनौर में गंगा किनारे बसे दर्जन भर गांवों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। बता दें कि पुलिस लगातार गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर रही है। अमेरिकी वायुसेना ने दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान दुनिया के सामने पेश किया है। ये 6ठी जनरेशन का विमान अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में सबसे आधुनिक माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच मानव अधिकार सहित कई मुद्दों पर तनाव है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आज इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट में ओपनिंग की और दोनों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का अच्छे से सामना किया और पहले विकेट की साझेदारी के रूप में 64 रन जोड़े। इस समय विराट कोहली और रहाणे क्रीज पर नाबाद खेल रहे हैं, जिसमें विराट 35 रन पर और रहाणे 13 रन पर खेल रहे हैं। भारत ने 3 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में अब तक 151 रन बना लिए हैं। ये विस्फोटक बल्लेबाज डेब्यू टेस्ट में 150 से ज्यादा रन बनाने वाली भारत की सिर्फ 4थी खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने भी देश के दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। सभी खिलाड़ी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल काली पट्टी बांधकर खेल रहे। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने धावक मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। अमिताभ बच्चन ने उन्हें भारत का गौरव बताया, जबकि अक्षय ने उनका किरदार नहीं निभा पाने पर मलाल जताया। शाहरुख पर भारी पड़े ऋतिक की बॉक्स ऑफिस वैल्यू, वॉयकम 18 ने फाइनल की सिद्धार्थ की फाइटर। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।